सांगनेर तहसील अंतर्गत केलवे स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर धनराज सोनेकर ने वृद्ध महिला को गाली गलौज तथा अभद्र व्यवहार करने पर मामला दर्ज हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय वार्ड क्रमांक 3 निवासी वैभव मखी अपनी वृद्ध माता सुमन को शनिवार सुबह 11 बजे स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए लेकर गए थे। उस वक्त स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर डॉक्टर सोनेकर ने मरीज की जांच करना तथा इलाज करना तो दूर, वृद्ध मरीज सुमन पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मानो मरीज का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करने आना गुनाह हो गया है या वो अछूत हो। इलाज कराने पहुंची वृद्धा डॉक्टर के इस रवैये से घबरा गई। वृद्धा के साथ आए उसके पुत्र वैभव ने भी डॉक्टर को समझाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने उसे भी चल रहे अकल मत बता कहकर बाहर निकाल दिया। अपने साथ हुए अपमानस्पद रवैये से खिन्न वृद्ध सुमन मखी ने केलवत थाने में पहुंचकर डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की। केलवत के थानेदार दिलीप ठाकुर ने डॉक्टर पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जाँच कर रहे हैं। वही आरोपी डॉक्टर सोनेकर पर अन्य आरोप भी है कि वे केलवत थाने के आरोपी की एमएलसी करने में आनाकानी करते हैं। यह आरोप केलवत पुलिस ने किया है। इससे पहले भी डॉक्टर सोनेकर पर केलवत थाने में मामला दर्ज हुआ है। वृद्ध महिला के मामले में पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष तथा स्वास्थ्य सभापति मनोहर कुंभारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घटना की जानकारी ली तथा जिला परिषद सीओ योगेश कुंभेस्कर से कुंभारी ने फोन पर बात कर वृद्ध महिला मरीज के साथ व्यवहार करने वाले डॉक्टर पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अपने अड़ियल रवैये तथा ग्रामीण अंचल से इलाज कराने आने वाले मरीजों के साथ हमेशा ही अभद्र व्यवहार करने के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर सोनेकर को तुरंत निलंबित करने की मांग सावनेर तालुका अध्यक्ष सतीश लेकरवाले, वैभव मखी, विकास कायदनी, रमेश नखाते, राजेंद्र बावनकर, संदीप डांगोरी, महेश श्रीखंडी, अरुण श्रीखंडे ने नागपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी से की है। बोला ना था 24 घंटे वेळ नाही का? एमएलसी नाही करून देणार का? बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडुले की रिपोर्ट।